लॉकडाउन की बस्ती को हटाकर वहां पर बना इंडिया का सबसे बड़ा तीसरा टावर। एसआरए स्कीम के तहत ओंकार बिल्डर ने किए लोगों से झूठे वादे। 500 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला करके बिल्डर ने अभी तक 750 लोगों को घर नहीं दिया और 3 साल टावर बनने के बाद में 400 लोगों का भाड़ा बंद कर दिया। हमारा घर इस कंपाउंड में था तो हम लोगों को वादा किया था कि सबको घर मिलेगा, सब कोई बेघर नहीं होगा। उसमें से काफ़ी लोगों को दिया और बहुत से लोगों को नहीं दिया। जिनको नहीं दिया वो हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं। हमारा घर का घर तो भाड़ा भी बंद कर, 3 साल तक भाड़ा दिया था और 2 साल से भाड़ा बंद किया है। और हमारी ये मांग यही है कि हमको हमारे घर के बदले कर दे। अच्छा, आपके यहाँ के बिल्डर का नाम क्या है? ओंकार। देखिए अभी मम्मी पापा भी यहाँ पे है तो हम स्कूल भी नहीं जा पाते, हम लोग की स्कूल भी छूट गए, टाइम पे फीस नहीं भर सकते तो स्कूल में से एलसी दे दिया। 11 दिन 10 दिन से हम लोग यहाँ पे ही है। और अभी तुम लोग को क्या बोल रहा? नहीं देगा, आप लोग 17 लाख रुपये ले लो। अभी 17 लाख में कहाँ रूम मिल रही है? हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो भी करो ना उसके साथ लिखा पढ़ी करके ही करना, क्योंकि हम लोगों ने लिखा पढ़ी नहीं किया था इसलिए हम लोगों की आज ये हालत है। आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, सारे पेपर्स है और जितने भी लीगल पेपर्स की हमें ज़रूरत है हमें घर पाने के लिए, और जिनको मिला है उनके टच में हमारे पास है। इसके लिए हम आपकी लड़ाई के लिए। काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है मुंबई के अलग अलग बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए। मलाड़ के लोगों को धोखा खाने के बाद में समझ आई है, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ विक्रोली पार्क साइट में, वहाँ पर भी यही बिल्डर है। इस वीडियो से प्लीज ये सबक सीख लीजिए और इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखिए। मलाड़ के लोगों की मदद करने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके दबाव बनाएं। इनका नंबर है 2226591314 या 2659051919। मलाड़ मुंबई से मैं जुलेखा सैयद, इंडिया अनहर्ड के लिए।